खबर बांदीकुई से। बांदीकुई नगर पालिका की फिर आई नाकामयाबी सामने। सुलभ कॉम्प्लेक्स से बहकर आने वाली पानी से व्यापारियों की शिकायत नगर पालिका द्वारा नहीं सुनने पर पार्षद नीरज रावत ने सुलभ कॉम्प्लेक्स पर जड़ा ताला। व्यापारियों की शिकायत है कि कॉम्प्लेक्स से बहके आने वाले पानी से दिन भर उठती है दुर्गंध, बीमारी व संक्रमण की बनी रहती है संभावना। नगर पालिका द्वारा नहीं लिया जाता है संज्ञान। बताइए सर, क्या परेशानी? गांधी पार्क में बना हुआ ये सुलभ कॉम्प्लेक्स आने वाले लोगों के लिए सुविधा की जगह असुविधा का केंद्र बन चुका है। बार बार यहाँ के व्यापारी बार बार इस चीज़ के लिए ज्ञापन दे चुके हैं नगर पालिका को, एसडीएम साहब को, कि यहाँ का गटर का पानी खुला नाली में जा रहा है, जिससे यहाँ के दुकानदारों का जीना दूभर हो चुका है। आने जाने वाले जो घूमने के लिए लोग स्वच्छ हवा के लिए जो यहाँ आते हैं, वो स्वच्छ हवा की जगह वो गंदगी और बदबूदार हवा का यहाँ सेवन कर रहे हैं, जिससे उनका जीवन बहुत ही नरक बन चुका है दुकानदारों का और आने वाले लोगों का। अभी हमारे 3 रोज पहले ये साहब आए थे भ्रमण के लिए, बार बार गंदगी की वजह से डेंगू हो गया उनको। अभी ये नगर पालिका के किसी भी अधिकारी या किसी कर्मचारी की कान पर जू नहीं रहेंगी, तो आज अंततः हार कर आज हमने इस सुलभ कॉम्प्लेक्स के ताला लगा दिया है। अब ये सुलभ कॉम्प्लेक्स का ताला जब भी खुलेगा, जिस दिन इस समस्या का समाधान हो जाएगा, नहीं तो ये ताला परमानेंट बंद है। कान खोल कर सुन ले नगर पालिका के अधिकारी और कर्मचारी, अगर इसका समाधान नहीं हुआ तो ये ताला बरकरार रहेगा, और ज्यादा परेशानी हुई तो गांधी पार्क के भी ताला लगा देंगे।